अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपकी फैमिली में से कोई स्टूडेंट है तो आज आपके लिए 3 ऐसी वेबसाइट दे रहा हूं जो पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, बल्कि हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी जरूर देखनी चाहिए। आज की वेबसाइट आपके नॉलेज में तो इजाफा करेंगे ही करेंगी, प्लस ट्यूशन सेंटर से बिल्कुल आपको दूर कर देंगे। जो ट्यूशन पे आप हजारों पे खर्च करते हैं, सब का सब आपको यहीं पे मिलेगा। और इसके अलावा बच्चे के पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बच्चे को किस कॉलेज जाना चाहिए, कैरियर कौन सा बच्चे के लिए बेटर है, सब कुछ आप इन 3 वेबसाइट में से सर्च कर सकते हैं। सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके अपने चैनल असासा जॉन पे खुश आमदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रही है। बदकिस्मती से हमारे स्टूडेंट्स को उस लेवल पे एजुकेट नहीं किया जा रहा जिस लेवल पे उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। हम उसी तरह जैसे हम 1990 में एक एजुकेशन सिस्टम में रहते थे, उसी में हम चले आ रहे हैं, जबकि क्लास 1 से लेकर मास्टर्स की क्लासेस तक सब कुछ हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है। हम जो ट्यूशन पढ़ने के लिए हजारों रुपए देते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आपके हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर क्वेश्चन के वीडियोस मौजूद हैं। अलग बात है हम उनको सर्च नहीं करते, हम उनको नहीं देखते। हम ये पूछने के लिए कि हमें फर्दर क्या करना है, बहुत सारे लोगों की मिन्नतें करते, एक्सपर्ट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उनको देखते। आज सारी चीज़ें आपको एक क्लिक पे मिलेंगी। 3 वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ, तीनों को अगर आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, आपके कैरियर के मसाइल भी सॉल्व होंगे, और उसके अलावा एजुकेशन में क्या क्या आपको चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलते हैं जनाब कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारी 3 वेबसाइट्स कौन सी हैं। नंबर 1 पे वेबसाइट हमारे सामने है जनाब इल्म की दुनिया, ilmkidunia.com लिखेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान की नंबर 1 एजुकेशनल वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स होने का दावा करती हैं, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वेबसाइट पे हर चीज़ स्टूडेंट्स के बारे में है। न्यूज़ हैं तो स्टूडेंट के बारे में हैं, कॉलेजेस, कोर्सेज, एडमिशंस, लेक्चर्स, पास्ट पेपर, डेट शीट, रिजल्ट्स, अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी। और उसके अलावा जॉब्स आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और इसी तरह डेली बेसिस पे आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कौन कौन सी अपडेट्स हैं, सब पे आपको एक ही जगह पे खबरें मिलती रहती हैं। इसलिए मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको एजुकेशनल न्यूज़ तो मिलती ही मिलती हैं, इसके अलावा लेक्चर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आप इस्तफादा हासिल कर सकते हैं, चाहे मोबाइल पर ओपन कर लें, चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर पर ओपन कर लें, ये सब ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और नंबर 2 पे वेबसाइट का नाम है sabak.pk। sabak.pk क्या यूनिक नाम रखा है, सबक फाउंडेशन की तरफ से ये वेबसाइट बनाई गई है। इनके काम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत इंस्पायर किया। मैंने इनका चैनल पे विजिट किया सबक फाउंडेशन के नाम से, जनाब 17,000 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, 17,000 वीडियो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मल्टीपल चैनल्स पे काम करता हूं, आज तक मेरी वीडियोस 2,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकी, लेकिन इन्होंने 17,000 वीडियोस सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाई, बहुत बड़ी बात है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इस माइंडसेट के साथ काम करना यार स्टूडेंट का भला हो जाए बहुत बड़ी बात है। आपके सामने यहाँ पे देखें 17,000 वीडियोज़,
5 मिलियन उनके यूजर और जनाब केजी क्लास से लेकर बीएस एमएससी की लेक्चर्स भी यहां पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको सीएसएस के लेक्चर्स भी यहां पे मिलेंगे। हर चीज सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। बताइए और आपको क्या चाहिए, आप यहां पे आए तो जनाब अपनी मर्जी की क्लास, मर्जी का लेक्चर, मर्जी का टॉपिक, मर्जी के टाइम पे आप देख सकते हैं। वीडियो को प्ले करें और देखें, किसी के पास जाके ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके काम से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। पाकिस्तान में रह के इस लेवल का काम करना बहुत बड़े जिगरे की बात है। अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि यार वाकई मरने के बाद भी ये इनके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। और डेफिनेटली इनके जो ऑनर्स हैं इकबाल मुस्तफ़ा खान तारीफ के लायक हैं। आप इस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कीजिए। और दोस्तों नंबर 3 पे वेबसाइट है हमारे पास एजुवीएन के नाम से, edu.pk। मैं इनके काम से ज़्यादा इंस्पायर उस वक़्त हुआ जब मैंने यूसुफ अलमाज साहब के लेक्चर सुने कैरियर काउंसलिंग में। कमाल के लेक्चर्स हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तजुर्बाकार हैं, मल्टीपल फील्ड्स में काम किया है, मल्टीपल डोमेन्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इनके लेक्चर से यहाँ से इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिशन कहाँ पे हो रहे हैं, किस लेवल पे हो रहे हैं, एडमिशन्स की सारी मालूमात, स्कॉलरशिप की सारी मालूमात, जॉब्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और उसके अलावा कैरियर की एडवाइस जो कि मेरा फेवरेट है, यहाँ पर आपको सारी की सारी गाइडलाइन मिलेगी। और मज़े की बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 वेबसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हल्का हल्का मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है। स्टूडेंट्स आप इन वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि यार यहाँ पे आओ, इनको देखो, फ्री में नॉलेज लो, यहाँ से भी सीखो, बाकी जगह से भी सीखें, क्योंकि सीखने से ही हम ग्रो करते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मज़ीद आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।